और बड़ी खबर आपको बता दें, नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी यहां पर हुई है। पंजाब पुलिस ने जब्त किया है 73 किलो हेरोइन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यह बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को मिली है। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखिए 73 किलो हेरोइन बताई जा रही है जो पंजाब पुलिस ने जब्त कर ली है। तो नशे के खिलाफ इससे पहले भी अभियान पंजाब में चलता रहा है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी यह है क्योंकि ये कहा गया है कि अब किसी भी तरीके से इस तरह की चीजों को पनपने राज्य में नहीं दिया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया ताकि युवा जिस तरीके से नशे का सेवन करते हैं उससे दूर रहे, उसके जब्त में ना आए। और अब देखिए किस तरीके से यह बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस की। 73 किलो हेरोइन बताया जा रहा है जिसे जब्त किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर नशे के खिलाफ यह एक्शन पंजाब पुलिस का, क्योंकि पंजाब में हमने देखा है जो तस्वीरें किस तरीके से सामने आती है वहां पर नशे का सेवन किया जाता है, खासतौर पर जो युवा है उनका रुख कहाँ होता है, किस तरफ होता है। और ऐसे में ये भी देखिए किस तरीके से जानकारी मिली है कि बीते एक हफ्ते में 148 किलो हेरोइन को जब्त किया गया है भारी मात्रा में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा, ये बहुत बड़ी मात्रा दरअसल है, जरा समझिए, क्योंकि एक तरफ नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, नहावा शेवा पोर्ट से ये बरामदगी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के भरूच में कल ऑन कंपनी में भीषण आग लगी है। भरूच जिले में जगड़िया जीआईडीसी में ये कंपनी है जिसमें भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कंपनियां, दरअसल जो गाड़ियां हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। घटना की सूचना मिलते ही अंकलेश्वर जीपीएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर भयानक आग लग गई है, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दूर से तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन धुएं का गुब्बार आसमान में नजर आ रहा है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर ये आग लगी होगी।